तो बहुत बहुत स्वागत है, आप वीडियो में आ चुके हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HTML पेज के क्रिएशन के बारे में। होम पेज क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा, तो इसे यार इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो आप ध्यान से देखो ताकि आप समझ पाए। लेकिन ये स्पेशली मैं बता दूँ क्लास 9th और 10th के लिए, लेकिन अगर आप क्लास 9th या 10th में नहीं हो फिर भी ये आपके हेल्पफुल है। और मैंने कुछ इस तरह का क्रिएट किया है, मैं इसी तरह क्रिएशन आपको बताऊँगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में मैं सारे टैग्स को कवर नहीं कर पाऊंगा, और अगर करूंगा तो यार बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। और मैंने जो टाइपिंग है वो पहले से करके रखी ताकि वीडियो छोटी सी रहे, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आने वाली वीडियो में ऐसा ना हो। ओके, लेकिन मैंने सोचा कि यार पहली वीडियो देखते हैं क्या अट्रैक्शन बनता है। अगर जैसे अट्रैक्शन आता है, जैसा स्टूडेंट्स करते हैं इस पर काम, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। हर एक टॉपिक, हर एक टैग को एक्सप्लेन किया जाएगा, और जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं HTML या XML से रिलेटेड, मैं सबको क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना और कोशिश करेंगे कि मैं हर एक टैग को आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस वीडियो में मैंने काफ़ी शॉर्टली समझाने की कोशिश की है, बस आप ध्यान से देखते रहोगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, अगर आप बिल्कुल मस्ती में देख रहे हो यार तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आपको तब समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरे एक एक स्टेप को देखते रहो, एक एक जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसे केयरफुली लिसन करो, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ज़रूर समझ में आएगा यार, इतना भी मैंने हार्ड नहीं बताया, बस कोशिश किया है कि थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा फॉन्ट को कर लेता हूँ बड़ा, और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल देखते रहो, और जो ना समझ में आए आप कमेंट में मेंशन करो, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने कर लिया फॉन्ट को बड़ा। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो ऊपर से ये तीन स्टेप्स हैं HTML, हेड और टाइटल, ये आपको एग्जैक्ट सेम रखना है। और टाइटल में मैंने माई होम पेज दे रखा है, आपको ये दिख रहा होगा एकदम जो मैंने ऊपर दिख रहा है, जैसे सर्च करते हैं तो माई होम पेज के नाम से दिख रहा होगा आपको। देखिए, आपको ये दिख रहा है ऊपर, तो ये हो गया टाइटल। फिर हम क्लोज कर देंगे टाइटल और हेड को क्लोज कर देंगे, लेकिन HTML को भी नहीं क्लोज करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं सेंटर मैंने क्यों दिया। तो सेंटर मुझको एक इमेज ऐड करनी थी, इसलिए मैंने दिया है सेंटर। तो देखो, ये इमेज src इक्वल टू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखना है। उसके बाद ये जो मैंने TWS.png जो डबल इनवर्टेड कॉमा है, फिर हाइट और विड्थ दिए मैं, इसके बारे में आपको बता दूँ कि जो मैंने TWS दिया है ये मेरी इमेज का नाम है, और मैंने इमेज उठाई अपने डेस्कटॉप से। मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई HTML पेज क्रिएट करो तो उसे आप डेस्कटॉप पर ही रखो, काफ़ी आसानी होती है ऐड करने में। ठीक है, फिर अब अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मेरी जो इमेज है वो PNG में थी। तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी इमेज किस फॉर्मेट में है, PNG में है, JPG में है, JPEG में है। तो मेरी जो इमेज थी वो PNG फॉर्मेट में थी, तो इसलिए मैंने PNG ले रखा है। आप देख सकते हो मेरी इमेज जो है वो PNG फॉर्मेट में है, और मेरी इमेज का नाम क्या था, TWS। ओके, तो TWS था। और यहाँ से आगे मैंने देख सकते हो आप कुछ हाइट और विड्थ सेट करके रखी है, तो दोनों मैंने एग्जैक्ट इसलिए सेम कर रखी है क्योंकि जो मेरी इमेज है वो सर्कुलर है। मैं आपको दिखाऊं, जो मेरी इमेज है वो सर्कुलर है, इसलिए मैंने जो विड्थ और हाइट एग्जैक्ट करके रखी है, सेम करके रखी है, ताकि मेरी इमेज अलग ना दिखे। अगर वहीं आपकी इमेज रेक्टेंगुलर है या फिर हॉरिजेंटल है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वैसे रेक्टेंगुलर भी हॉरिजेंटल में हो सकता है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल है, तो उस केस में आपको डिफरेंट चूज़ करके रखना है। ठीक, तो फिर से मैंने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझको हेडिंग देनी थी, आप भी चूज़ कर सकते हो। वैसे अगर मैं सेंटर टैग का इस्तेमाल नहीं भी करता तभी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अभी तो मैंने सेंटर टैग क्लोज नहीं किया। जब तक आप क्लोज नहीं करते तब तक वही सब चलता रहता है। तो फिर मैंने अपना प्रतीक प्रकाश नाम दिया, क्योंकि माई होम पेज में जो क्रिएटर है उसका नाम देना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपना नाम दिया। अगर आप स्कूल के लिए बना रहे हो उसे तो आपको स्कूल का नाम देना है। ठीक, फिर मैंने अपनी H2 हेडिंग क्लोज की, मतलब थोड़ी सी जो ब्लो बोल्ड वाली हेडिंग थी उसे मैंने क्लोज किया। फिर मैं सेंटर टैग को भी क्लोज कर दिया, मैंने देख सकते हो आप, मैंने उसके नीचे सेंटर टैग को भी क्लोज किया, प्रतीक प्रकाश लिखा, फिर नीचे H2 हेडिंग को क्लोज किया, उसके बाद मैंने सेंटर टैग को भी क्लोज किया है। तो देख सकते हो आप मेरा नाम जो है वो प्रतीक प्रकाश लिखा गया, और मैंने यू टैग का भी इसमें इस्तेमाल किया था, मतलब अंडरलाइन का, मतलब यू आप इस्तेमाल करोगे उसका मतलब आपके जो भी वर्ड लिखे जाएंगे उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। आप देख सकते हो मैंने यू डाला है, फिर प्रतीक प्रकाश, फिर मैंने अंडरलाइन टैग को क्लोज भी किया था। ओके, तो अब मैंने सेंटर को भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने बैकग्राउंड कलर भी चूज़ करना सोचा कि मैं बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेता, तो मैंने येलो चूज़ करके रखा है। बस आपको बॉडी BG कलर इक्वल टू ना सेम रखना है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो आप डालना चाहो डाल सकते हो। फिर यार जो टेक्स्ट लिखा है उसका भी कुछ कलर होना चाहिए, तो मैंने ब्लू करके रखा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, ग्रीन कर दूँ ब्लू की जगह, तो
जो ये जो प्रतीक प्रकाश लिखा गया है, हेलो एवरीवन माय नेम इज प्रतीक प्रकाश, प्रतीक ये चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो अब ग्रीन हो जाएगा। अब ये इसकी जगह मैं पिंक भी इसे करता हूँ, मतलब जिस कलर में चाहो आप उसमें चेंज कर सकते हो। और बीजी कलर इक्वल टू जो येलो उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये बहुत ईजी है। वैसे हम इसे एक बार रिफ्रेश करके देखें, होता है कि ये हो गया, लेकिन यार ब्लू कलर ज़्यादा बेटर लग रहा था तो अभी ब्लू ही रखते हैं। तो कंट्रोलाइज करने के बाद हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम करेंगे अब रिफ्रेश थोड़ा सा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो फिर से ब्लू आ गया। तो आप ऐसे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। फिर नीचे मैंने कुछ यार डिस्क्रिप्शन की तरह ऐड किया है, तो उसे भी मैंने सेंटर में सोचा रखूँ ताकि अच्छा रहे। तो मैंने उसकी फॉन्ट की साइज भी चूज़ की है। तो फॉन्ट के लिए देखो यार, ये जो मैंने हेलो एवरीवन माय नेम इज प्रतीक प्रकाश आई विल टीच यू हाउ टू मेक होम पेज, तो इसके ऊपर आप थोड़ा देखोगे तो फॉन्ट साइज मैंने रखी है। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू रहना चाहिए और उसके बाद आप 5, 10, 12 आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फिर मैंने क्लोज कर दिया आप सेंटर टैग को, क्योंकि मुझको कुछ भी नहीं लिखना था सेंटर टैग में, मुझे कुछ भी नहीं लिखना था, इसलिए मैंने सोचा कि क्लोज करते हैं। ओके, तो मैंने कहाँ कहाँ सेंटर का इस्तेमाल किया, एक ऊपर, एक बीच में, और फिर एक बार मैंने क्लोज किया था। फिर मैंने सोचा कि लिखते थोड़ा सा और अपना डिस्क्रिप्शन सेंटर में, जहाँ जहाँ आपको सेंटर में लिखना होगा उसके लिए आपको सेंटर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सेंटर टैग का जनरली सब बस इतना ही इस्तेमाल है कि आपके जो भी वर्ड लिखे जाएंगे, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है वो सेंटर में लिखा जाएगा, मतलब बीचों बीच लिखा जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लिया ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और फिर मैंने माय डिटेल्स के लिए मैंने सेंटर टैग का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सेंटर टैग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो आपके लेटर लिखे जाएंगे जैसे आप कॉपी में लिखते हो एग्जैक्टली वैसा ही लिखा जाएगा। तो फिर मैंने जब कुछ माय डिटेल्स वगैरह लिखना सोचा तो मैंने सोचा कि वो रेड में रहेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा, तो उसके लिए मैंने फॉन्ट कलर चूज़ किया। तो फॉन्ट कलर इक्वल टू आपको रखना ही रखना है, जब भी आप फॉन्ट डालोगे फिर ये रेड ब्लू ग्रीन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, फिर मैंने डाला यूएल टैग। यूएल टैग से थोड़ा सा होगा क्या, जो आपके लेटर हैं वो बिल्कुल कॉर्नर में आ जाएंगे वो बुलेट के साथ, ठीक है। तो मैंने यूएल टैग के साथ साथ मैंने सोचा कि माय डिटेल जो है वो थोड़ा सा बोल्ड भी रहे, तो उसके लिए मैंने बी टैग का इस्तेमाल किया। बी का मतलब बोल्ड ही होता है, तो आप उसे जो क्या कह सकते हैं चिड़िया का मुंह जो खुला रहता है या फिर ग्रेटर देन स्माइल के बीच में रखो ताकि आपका जो वो बोल्ड हो। ओके, फिर मैंने अब आप मेरे ओपेरा ब्राउज़र में देख सकते हो मैंने कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखी है, तो उसे मैंने रेड कलर में ही रखा है। और तो और बोल्ड और इटैलिक दोनों का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हो बी और आई दोनों मैंने यूज़ किया। और फॉन्ट कलर मैंने रेड ही रखा है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि मैंने कुछ लिखा कोई पढ़ो तो आप भी पढ़ो आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने इसे भी एलआई टैग का इस्तेमाल किया और उसमें बंद करके इसे रख दिया। तो आप भी अगर इस्तेमाल करते हो तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और इतना ध्यान देना, आप जब क्लोज करने जाओ, मतलब कि जो भी टैग आपने ओपन किया तो उसे क्लोज जरूर कर देना। तो अब मैं फ़ोन छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और बाद में इसे समझ सको। और कोई क्वेश्चन होता तो प्लीज़ अगर कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने हर एक फ़ोन टैग को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं किया। तो देखो यार, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं जहाँ तक बता दूँ कि अगर आपको कोई भी फॉन्ट या टैग समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेंशन करो। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ लिखते समय आपको बताता रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो मैंने ये ऐसा कुछ लिखा है, तो आप भी ऐसा कॉपी कर सकते हो, बना सकते हो। और जो मैंने माय डिटेल में रखा था तो आप माय डिटेल में अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, जैसा भी कुछ करके, मतलब जो आप समझ पाते हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा आप बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेयर आउट।